हेलो एवरीवन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पावर सीरीज टॉपिक में जैसे मैंने कहा था एक थ्योरम बची है तो वो थ्योरम कर लेते हैं हम इस वीडियो में थ्योरम का स्टेटमेंट है अ पावर सीरीज रिप्रेजेंट्स एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड इट्स सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हमें ये प्रूव करना है कि हर एक पावर सीरीज अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर एक एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है यानी कि हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम लेट एफ जेड इक्वल ए एन जेड रेस टू पावर एन बी एन पावर सीरीज ठीक है ये इसका सम फंक्शन है एफ जेड ओके हम ये कोई पावर सीरीज ले लेते हैं लेट मोड जेड इक्वल कैपिटल आर बी इट्स सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस इस पावर सीरीज का सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है मोड़ जेड इक्वल कैपिटल आर यानी कि कैपिटल आर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो हमें प्रूव ये करना है टू प्रूव एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन फॉर मोड़ जेड लेस देन कैपिटल आर तो जो आ, आ, पावर सीरीज के लिए सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है उसके अंदर नॉट ऑन बाउंड्री बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं हम उसके इनसाइड हमें ये प्रूव करना है कि पावर सीरीज हमेशा एक एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी तो इस थ्योरम के प्रूफ से पहले हमें एक लेमा प्रूफ करनी होगी एक रिजल्ट जो हम इस थ्योरम के प्रूफ में यूज करेंगे तो मैं पहले उस लेमा का प्रूफ शेयर करती हूँ उसके बाद हम यहाँ से जो थ्योरम का प्रूफ है वो कंटिन्यू करेंगे तो लेमा है द टू पावर सीरीज हमें दो पावर सीरीज गिवन है एन टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड रेज टू पावर एन और दूसरी जो पावर सीरीज है उसमें इसका डिफरेंशिएशन है देखो जेड पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होगा एन z रेस्ट टू पार एन माइनस वन एंड ऑफ कोर्स एन इक्वल्स टू जीरो पे जीरो हो जाता है इसलिए समेशन एन टेकिंग वैल्यूस फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी है तो हमें प्रूव ये करना है कि इन दोनों पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो सेम होगी ओके तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं प्रूफ लेट आर वन एंड आर टू बी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ए एन जेड रेस टू पार एन ये वाली पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने आर वन ले ली एंड एन ए एन जेड रेस टू पार एन माइनस वन इसकी जो है हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर टू ले ली रिस्पेक्टिवली ओके okay? तो वन अपॉन आर वन इक्वल जो कोशी हडमार्स थ्योरम से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला था वो था लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम मोड ए एन पावर वन अपॉन एन ओके okay. और अगर हम वन अपॉन आर टू आर टू फाइंड आउट करते हैं तो ये बनेगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनीटी सुप्रीमम मोड एन ए एन पावर वन अपॉन एन ठीक है ये वाला जो पार्ट है वन अपॉन आर टू इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनीटी सुप्रीमम एन पावर वन अपॉन एन मोड ए एन पावर वन अपॉन एन हम एन पावर वन अपॉन एन को सेपरेट uh, करके लिख रहे हैं और इसमें मोड लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज एन इज पॉजिटिव ओके तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीम मोड ए एन पावर वन अपॉन एन ये बचेगा ये क्यों बचेगा क्योंकि ये हमें पता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनी एन की पावर वन अपॉन एन जो है ये वन होता है ठीक है और बहुत इजी है इसे प्रूफ करना मैं यहाँ पे इसका प्रूफ बताती हूँ मान लो हम y इक्वल एन की पावर वन अपॉन एन लिख रहे हैं तो लोग y इक्वल होगा लोग n पावर सॉरी लोग n अपॉन एन अब दोनों तरफ हम लिमिट ले लेते हैं तो इस तरफ तो देखो ये n से फ्री है हम n पे लिमिट लेंगे तो इसको सीधे लोग y ही रहने देते हैं इधर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनी लोग एन अपॉन एन तो ये बनेगा लोग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इट्स लाइक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो एल हॉस्पिटल रूल से ये हो जाएगा वन अपॉन एन और ये वन तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो तो लोग वाई इक्वल जीरो आ रहा है तो वाई इक्वल आ जाएगा ई e की पावर जीरो यानी कि वन एंड ऑफकोर्स यहाँ पर लिमिट लगी हुई है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनी तो ये भी लिमिट एन टेंस टू तो इन्फिनिटी होगा यानी कि लिमिट एन टेंस टू तो इन्फिनिटी एन की पावर वन अपोन एन वन होता है तो एन की पावर वन अपोन एन वन बन गया तो वन अपोन आर टू इक्वल ये आ रहा है और यही इक्वल था वन अपॉन आर वन के तो इसका मतलब ये हो गया कि आर वन बराबर है आर टू के मतलब इन दोनों पावर सीरीज के लिए इन दोनों पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होती है तो ये जो लेमा है इसका रिजल्ट हम हमारी थ्योरम में यूज करेंगे तो अब हम हमारी थ्योरम के प्रूफ पे चलते हैं तो यहां तक हमने कर लिया था पावर uh, सीरीज का सम फंक्शन एफजेड से हमने रिप्रेजेंट किया है मोड मोडजेड इक्वल आर जो है इसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस लिया यानी कि आर जो है वो इस पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और ये हमें प्रूव करना है अब हम ऐसा करते हैं लेट जी जेड इक्वल एन ए एन जेड रेस टू पावर एन माइनस वन बी एनी पावर सीरीज ठीक है ये दूसरी पावर सीरीज ले ली हमने तो अकॉर्डिंग टू लेमा इसका इस पावर uh, सीरीज की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो भी आर ही होगी सो बाय लैमा आर इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ये जो हमारी पावर सीरीज है इसके लिए भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो आर है अब हमें देखो ये दे रखा है Fz, ये जो हमारी पावर सीरीज़ ए एन जेड टू पावर एन इज कन्वर्जेंट फॉर मोड जेड लेस देन आर इस रीजन के लिए कन्वर्जेंट है क्योंकि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर पावर सीरीज कन्वर्जेंट होती है बाउंड्री पे Uh, हमें नहीं पता होता बिहेवियर कैसा होगा uh, कभी कन्वर्जेंट हो सकता है कभी डाइवर्जेंट भी हो सकता है तो फंक्शन uh, जो है एफ जेड इस रीजन uh, के लिए कन्वर्जेंट है अगर इस रीजन के लिए फंक्शन कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड भी होगा मतलब ये सीरीज जो है ये बाउंडेड भी होगी इट इम्प्लाइज ए एन जेड एज टू पावर एन इज बाउंडेड फॉर मोड जेड लेस देन कैपिटल आर इस रीजन के लिए सीरीज बाउंडेड है अब हम ऐसा करते हैं लेट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हमने एक नंबर लिया है स्मॉल आर जो कि कैपिटल आर से छोटा है तो अगर हम ये यहाँ पे पुट करें z की जगह पे r एस टू पावर n तो इसका मॉड्यूल जो है वो लेस देन होगा किसी रियल नंबर के लेट k बिलोंग k बी एनी रियल नंबर क्योंकि जो फंक्शन है या फिर जो ये पावर सीरीज है ये बाउंडेड है इस रीजन के लिए बाउंडेड है मतलब जेड की हर एक वैल्यू के लिए इसका जो मॉड्यूलस है वो किसी कांस्टेंट से किसी पॉजिटिव किसी पॉज़िटिव रियल नंबर से छोटा होगा तो हमने वो पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो k अज्यूम कर लिया तो मोड ए एन आर एस टू पार एन लेस देन के होगा अच्छा इसे हम एनी पॉजिटिव रियल नंबर लिख देते हैं ओके okay, तो यहां से हम मोड ए एन जो है वो लिख, लिख सकते हैं लेस देन के अपॉन आर पावर एन अब हमें जो एक्चुअली हमें प्रूव करना था वो था फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना है और फंक्शन को हमें रेडियस ऑफ जो कन्वर्जेंस है सॉरी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसके अंदर मतलब अगर हमारा ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है मोड जेड इक्वल आर तो हमें इसके अंदर फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना है एनालिटिक प्रूफ करना है मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि इसके अंदर के इनसाइड द सर्कल हर पॉइंट के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है ठीक है मतलब इन शॉर्ट हमें फंक्शन एफ जेड जो है उसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है इनसाइड द सर्कल ऐसा प्रूफ करना है और हमने जो डिफ्रेंशिएशन uh, की डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से अगर हमें एफ डैश जेड कैल्कुलेट करना है तो ये बनेगा लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच ओके तो हम कोई पॉइंट जेड लेंगे उसके नेबरहुड में पॉइंट जेड प्लस एच लेंगे दोनों पे फंक्शन का डिफरेंस जो है उसे एच से डिवाइड करके लिमिट सॉरी लिमिट एच टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो पुट कर लेंगे तो हमें एफ डैश जेड मिल जाएगा तो हमें ये जो लिमिट limit है लिमिटिंग वैल्यू ये कैलकुलेट करनी है तो ऐसा करते हैं हम इस तरह से Z और H सेलेक्ट करते हैं लेट Z इक्वल रो रो लेस देन R ठीक है हमें इन साइड द सर्कल चाहिए तो स्मॉल R जो हमने कैपिटल R से छोटा लिया था तो अगर रो हम स्मॉल R से छोटा सेलेक्ट करेंगे तो इन साइड द सर्कल ही रहेगा एंड हमें मोड जेड प्लस एच चाहिए होगा ये हमें पता है लेस देन इक्वल होता है मोड जेड प्लस मोड एच से तो हम मोड uh, एच को भी डिफाइन कर लेते हैं मोड एच जो है वो हम ईटा ले लेते हैं ओके okay? तो ये बनेगा uh, रो प्लस ईटा और ये भी हम लेस देन आर एज्यूम करते हैं क्योंकि जेड जो पॉइंट है उसके नेबरहुड में हमें जेड प्लस एच लेना है तो दोनों पॉइंट बहुत पास पास होते हैं तो दोनों का जो सम है वो भी आर से छोटा इस तरह से हमने सेलेक्ट किया तो अब हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है तो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच अगर हम कैलकुलेट करते हैं और एक और चीज करेंगे हमने जी जेड जो डिफाइन किया था ना वो यहां लिखेंगे देखो जी जेड जो है उस उसमें सीरीज में आ, ऐसे लिखा हुआ है एन ए एन जेड की पावर एन माइनस वन तो ये एक तरीके से एफ जेड पावर सीरीज का डिफरेंशिएशन ही है एफ जेड में जेड की पावर एन है तो जब जेड की पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एन जेड की पावर एन माइनस वन तो इसे अल्टीमेटली लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लेके एफ डैश बनाना है तो एफ डैश की वैल्यू जो है वो जी जेड के बराबर आएगी इसलिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं और मैं इस पर मोड लगा देती हूं तो हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे वन अपॉन एच एफ ऑफ जेड प्लस एच तो ये बनेगा समीशन ए एन जेड प्लस एच की पावर एन ठीक है माइनस समीशन ए एन जेड की पावर एन ये तो बन गया एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड और ये बना पौने एच हमने लिख दिया साथ में माइनस जी जेड लिखना है हमें तो जी जेड है ए एन जेड पावर एन माइनस वन और एंड ऑफ कोर्स साथ में यहाँ पे एन है ठीक है तो एन टेकिंग वैल्यूज जीरो टू इन्फिनिटी एन टेकिंग वैल्यूज जीरो टू इन्फिनिटी एन टेकिंग वैल्यूज वन टू इन्फिनिटी तो हमने ये वैल्यूज यहां पे पुट कर ली ये जो समीशन है इसे हम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनी लिख सकते हैं क्योंकि एन बराबर जीरो पे ये जीरो बनेगा तो हम प्लस जीरो करके ऐसे लिख सकते हैं पहली टर्म इसकी जीरो हो जाएगी ओके अब हम ऐसा करते हैं इन तीनों में ये जो समीशन और ए एन ये कॉमन है तो ये हम कॉमन लेके लिखते हैं तो मोड समीशन एन टेकिंग वैल्यू जीरो टू इनफिनिटी ए एन ठीक है अब बचेगा क्या अंदर ये बचेगा जेड प्लस एच की पावर एन माइनस जेड की पावर एन अपोन एच माइनस एन जेड की पावर एन माइनस वन ठीक है ऐसा करते हैं हम जो मोड है इसको समीशन के अंदर लेके जाते हैं तो जब मोड को समीशन के अंदर लेके जाते हैं तो लेस देन इक्वल का साइन आता है तो ये बन जाएगा समीशन एन टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी मोड ए एन और इस पूरे पे मोड जेड प्लस एच पावर एन माइनस जेड पावर एन अपॉन एच माइनस एन जेड पावर एन माइनस वन ठीक है अब देखो हमने मोड ए एन जो है वो लिखा था लेस देन के अपॉन आर की पावर एन ये तो मैं ये मोड ए एन की जगह ये रिजल्ट पुट कर रही हूँ एक चीज और दूसरी चीज़ हम ये जो है z प्लस एच की पावर n इसे खोल के लिखते हैं तो मैं ये दोनों स्टेप करके बताती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बन रहा था समिशन एंड टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनी के अपॉन आर रेस टू पावर एन और देखो जेड प्लस एच की पावर एन है ये बनेगा जेड की पावर एन प्लस एन सी वन z की पावर -1, h, NC2, NC2 की न, n माइनस वन एच ठीक है प्लस एन सी टू एन सी टू यानी कि n n माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल z की पावर n माइनस टू एच स्क्वायर ओके सो ऑन और लास्ट में आएगा एन सी एन अगेन वन z नहीं होगा उसमें h की पावर n और अपोन में इसके h है ठीक है और माइनस में जो टर्म थी वो थी n Uh, z की पावर n माइनस वन राइट देखो ये k कांस्टेंट है इसे हम समीशन से बाहर लिख देते हैं n टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन r की पावर n एंड एम सो सॉरी ये मोड में था इट इज़ मोड तो यहाँ देखो uh, z की पावर n एंड एम सो सॉरी यहाँ z पावर n भी था देखो जेड प्लस एच की होल पावर n उसे तो हमने खोल के लिख दिया माइनस जेड पावर n भी था तो ये z पावर n से z पावर n कैंसिल हो गया इस h से हम इसे डिवाइड करके लिखते हैं तो n z की पावर n माइनस वन प्लस एन एन माइनस वन बाई टू जेड की पावर n माइनस टू एच ये h स्क्वायर है तो यहाँ पे एक h बचेगा इसके बाद जो टर्म आएगी वो होगी एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल जेड की पावर एन माइनस थ्री एच स्क्वायर ओके एंड लास्ट में जा करके ये जो एच की पावर एन है ये बचेगा एच की पावर एन माइनस वन और माइनस एन जेड की पावर एन माइनस वन ये टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो गई ठीक है आप ऐसा करते हैं ये जो मोड है ना इसे फिर ये जो समीशन है इसके अंदर लेके जाते हैं तो लेस देन के समीशन एन एक टेकिंग वैल्यू जीरो टू इनफिनिटी वन अपॉन आर की पावर एन तो एन एन माइनस वन बाय टू मोड जेड पावर एन माइनस टू मोड एच एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन ये टू फैक्टोरियल है ये थ्री फैक्टोरियल है मोड जेड पावर एन माइनस थ्री मोड एच का स्क्वायर सो ऑन एंड में आएगा मोड एच की पावर एन माइनस वन ठीक है हमने मोड जेड को लेस देन रो माना था और मोड एच को लेस देन ईटा माना था तो हम वो वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये लेस देन समीशन एंड टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन आर की पावर एन ये बनेगा एन एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल रो पावर एन माइनस टू ईटा ठीक है एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल रो पावर एन माइनस थ्री ईटा स्क्वायर सो ऑन लास्ट में बन रहा है ईटा की पावर एन माइनस वन ठीक है अब हम क्या करेंगे इससे हम देखो ये एन एन माइनस वन रोग की पावर एन माइनस टू ईटा की पावर वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसे जो बायनोमियल एक तरीके से सीरीज खुली हुई है हम इसे कंबाइन कम, करके जो रिजल्ट बनता है जैसे पहले हमने z प्लस एच की पावर n को खोल के लिखा था तो अब ये जो रिजल्ट खोल के लिखा है उसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखो ये मतलब कहाँ से टर्म स्टार्ट हो रही है कौन सी टर्म्स मिसिंग है वो देख लेते हैं तो एक चीज जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि जब रोग की पावर एन माइनस टू है तो ईटा का स्क्वायर होना चाहिए लेकिन यहाँ ईटा की पावर वन है तो हम ऐसा करते हैं एक ईटा से डिवाइड एंड एक ईटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं ईटा से मल्टीप्लाई एंड ईटा से डिवाइड कर देते हैं तो डिविजन वाले को तो बाहर रहने देते हैं और मल्टीप्लीकेशन वाले को अंदर लेके जाते हैं तो क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी जो चल रहा है वही है कि एन टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनी वन अपॉन ईटा आर पावर एन ये बनेगा एन एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल रो की पावर एन माइनस टू ईटा स्क्वायर ठीक है लास्ट वाली बनेगी ईटा की पावर एन ओके यहाँ पावर जो है वो एन हो जाएगी सॉरी ठीक है अब अगर हम रो प्लस ईटा की होल पावर एन की बात करें तो इसका जो एक्सपेंशन बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा रो की पावर एन फिर एन रो की पावर एन माइनस वन ईटा ठीक है फिर एन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल रो की पावर एन माइनस टू ईटा स्क्वायर और एंड में जाके होगा ईटा की पावर एन तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी टर्म्स है हमारे पास ये दो टर्म्स मिसिंग है तो अगर हम इस चीज को सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो ये माइनस में चले जाएंगे ना यहाँ पे तो हम ऐसा करते हैं इसकी जगह रो प्लस ईटा की होल पावर एन माइनस रो की पावर एन एंड ये वाली टर्म लिख देते हैं तो ये बनेगा लेस देन के एन टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन ईटा आर की पावर एन रो प्लस ईटा पावर एन माइनस रो पावर एन माइनस एन रो पावर एन माइनस वन ईटा ठीक है ये बनेगा एक्चुअली इस तरफ जो है वो हमारा चल रहा है एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपोन एच माइनस जी जेड अल्टीमेटली हमें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लगानी है तो इधर ये जो सीरीज में लिखा हुआ है ना इसको हमें एनी हाउ सॉल्व करना है ठीक है ये रिजल्ट है तो अब हम uh, ईटा को तो बाहर कॉमन लेके लिख देते हैं और आर की पावर एन को अंदर लेके जाते हैं तो लेस देन के अपॉन ईटा समीशन एन टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी ये बनेगा देखो रो प्लस ईटा अपॉन आर पावर एन माइनस रो अपॉन आर पावर एन माइनस एन आ, रो की पावर एन माइनस वन ईटा अपॉन आर की पावर एन ये बन रहे हैं तो यहाँ पे ये जो टर्म है अलग अलग समीशन लगाती हूँ मैं पहले तो के अपॉन ईटा समीशन एंड टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी रो अपॉन ईटा अपॉन आर रो प्लस ईटा अपॉन आर की पावर एन ये ईटा है और पावर एन है समीशन एंड टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी रो अपॉन आर की पावर एन ठीक है माइनस समीशन एंड टेकिंग वैल्यू जीरो टू इनफिनिटी एन रो की पावर एन माइनस वन ईटा अपॉन आर की पावर एन तो ये जो दोनों है ये तो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है गुणोत्तर श्रेणी तो इनका तो हमें जो इनफाइनाइट टर्म्स का सम है वो पता है क्या होता है ठीक है यहाँ पे हमने एक इनिशियली जब रो और ईटा अज्यूम करे थे तो हमने ये अज्यूम किया था रो लेस देन आर तो देखो रो अपॉन आर जो है वो लेस देन वन होगा सिमिलरली हमने ये भी एज्यूम किया था रो प्लस ईटा लेस देन आर तो रो प्लस ईटा अपॉन आर जो है ये भी लेस देन वन होगा तो ये दोनों तो इन दोनों का सम तो ज्योमेट्रिक सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो होता है उससे कैलकुलेट हो जाएगा मैं ये लिख देती हूँ हियर समीशन एंड टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी रो प्लस ईटा अपॉन आर की पावर एन ये तो बनेगा वन अपोन वन माइनस रो अपोन रो प्लस ईटा अपोन आर ठीक है यानी कि आर अपोन आर माइनस रो माइनस ईटा ये सीरीज का सम हमें पता है क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है सिमिलरली ये वाली सीरीज का भी पता है ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है रो अपॉन आर की पावर एन ये बनेगा वन अपॉन वन माइनस रो अपोन आर देखो ये ए अपोन वन माइनस आर होता है इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है देखो ऐसे ए प्लस ए आर ए आर स्क्वायर इस तरह से जो हमारी सीरीज बनती है जो सीरीज तो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है ए अपॉन वन माइनस आर आर अगर लेस देन वन हो तो तो ये दो सीरीज का सम तो हमने निकाल लिया बची ये सीरीज हमें इसका भी uh, सम जो है वो फाइंड आउट करना है ताकि ये समीशन सॉल्व हो जाए उसके बाद हम लिमिटेजेंस टू जीरो ले सके तो ये जो है ना इसे हम लिख लेते हैं अब हम इस समीशन को सॉल्व करेंगे समीशन एन टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी एन रो की पावर एन माइनस वन ईटा अपॉन आर की पावर एन ठीक है ऐसा करते हैं हम ईटा अपॉन आर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि समीशन जो है वो तो एन पे है तो ये बचेगा हमारे पास एन रो अपॉन आर की पावर एन माइनस वन so uh, I should write it and taking values 1 to infinity ठीक है एक ही बात है zero से infinity करेंगे तो पहली term zero हो जाएगी okay तो ये वाली जो series है इसका हमें sum find out करना है तो जो ऊपर हमारा result है ना ये वाला जहां हमें ये सारे सम पुट करने हैं इसे तो मैं लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर वन और इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर टू तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर टू है ना उसमें इस पार्ट को हम एस एस्यूम करते हैं लेट एस इक्वल टेकिंग वैल्यूज वन तो टू रो अपॉन की पावर ठीक है आ, मैं ऐसा करती हूँ इस सीरीज को खोल के लिखती हूँ तो एन इक्वल वन होगा तो ये बनेगा वन और जब एन इक्वल टू होगा तो ये बनेगा टू रो अपॉन आर फिर एन इक्वल थ्री तो ये थ्री रो अपॉन आर का स्क्वायर सो so ऑन इस तरह से टर्म्स आ रही है तो अगर हम रो अपॉन आर एस कैलकुलेट करें मतलब हम एस इक्वल ये जो रिजल्ट है इसको दोनों तरफ रो अपॉन आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा रो अपॉन आर प्लस टू रो अपॉन आर का स्क्वायर प्लस थ्री रो अपॉन आर का क्यूब सो ऑन ओके अब इसमें से इसे माइनस कर देते हैं एस माइनस रो अपॉन आर एस तो जब इसमें इस से इसे माइनस करेंगे तो वन देखो ये ट्वाइस ऑफ रो अपोन आर है माइनस रो अपोन आर तो प्लस का रो अपोन आर बचेगा यहाँ रो अपोन आर के स्क्वायर के साथ थ्री है और माइनस रो अपोन आर के स्क्वायर के साथ टू है तो ये प्लस का रो अपोन आर स्क्वायर बचेगा सिमिलरली रो अपोन आर क्यूब बचेगा सो ऑन ठीक है तो अगर हम यहां एस कॉमन ले लें तो ये बन रहा है हमारे पास आर माइनस रो अपोन आर इक्वल अब ये जो सीरीज बन रही है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो रो अपॉन आर है और फर्स्ट टर्म जो है वो वन है तो ये वन अपॉन वन माइनस रो अपोन आर तो एस की वैल्यू क्या आएगी आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस रो का होल स्क्वायर ये एस की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन नंबर टू में इस चीज को हमने एस एज्यूम किया था तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दे तो इस समीशन की वैल्यू क्या आ जाएगी समीशन एन टेकिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी एन रो की पावर एन माइनस वन ईटा अपोन आर की पावर एन ये हो जाएगा एन अपोन सॉरी ईटा अपोन आर आर स्क्वायर आर माइनस रो का होल स्क्वायर ठीक है तो यहां से आर की पावर कैंसिल हो गई तो यार है ईटा आर अपोन आर माइनस रो का होल स्क्वायर अब हमारे पास तीनों जो सीरीज बन रही थी उनके वैल्यूज आ चुके हैं तो हम हमारी इक्वेशन नंबर वन में वो सारी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या बनेगा तो ये तो था वन का लेफ्ट हैंड साइड और इधर के अपॉन ईटा कॉमन लिया हुआ था और अंदर जो तीन सीरीज थी इन्फाइनिट सीरीज उनके साम आ रहे हैं पहला था आर अपोन आर माइनस रो माइनस ईटा दूसरा था माइनस आर अपोन आर माइनस रो और तीसरा जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया ईटा आर अपोन आर माइनस रो का होल स्क्वायर ठीक है अब ऐसा करते हैं लेस देन के अपोन ईटा यहाँ पे आर माइनस रो माइनस ईटा आर माइनस रो का होल स्क्वायर एल ले लेते हैं तो ये बनेगा अच्छा यहाँ पे ऊपर आर जो है वो कॉमन आ रहा है तो मैं वो आर कॉमन लेके लिख देती हूँ तो यहाँ पे इसके साथ आएगा आर माइनस रो का होल स्क्वायर इट इज आर स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस टू आर रो माइनस ये आर हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे आएगा आर माइनस रो आर माइनस रो माइनस ईटा ठीक है और ये जो है माइनस ईटा आर हमने कॉमन ले लिया है यहाँ आएगा आर माइनस रो माइनस ईटा ओके इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो लेस देन के आर अपॉन ईटा ये बन रहा है आर स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस टू आर रो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आर स्क्वायर प्लस का रो आर प्लस का ईटा आर ठीक है ये होगा प्लस का रो आर माइनस का रो स्क्वायर एंड माइनस का रो ईटा ओके और लास्ट वाला ये बनेगा माइनस का ईटा आर प्लस का ईटा रो और प्लस का ईटा स्क्वायर अपोन में आर माइनस रो माइनस ईटा आर माइनस रो का होल स्क्वायर अब देखते हैं जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देते हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल रो स्क्वायर से रो स्क्वायर कैंसिल प्लस का टू आर रो है ये सॉरी माइनस का टू आर रो है ये प्लस का आर रो ये प्लस का आर रो तो ये आपस में कैंसिल हो गए ठीक है ये प्लस का ईटा आर ये माइनस का ईटा आर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी आपस में कैंसिल हो गए तो बच क्या रहा है सिर्फ ईटा स्क्वायर तो जो ईटा स्क्वायर है यहां अपोन में ईटा है तो उसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास देखो रिजल्ट ऐसा आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड तो है एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस जी जेड लेस देन के आर ईटा अपॉन आर माइनस रो माइनस ईटा आर माइनस रो का होल स्क्वायर ठीक है अब हमें लिमिट लेनी है एच टेंस टू जीरो और हमने मोड एच जो है वो अज्यूम किया था ईटा तो जब हम एच टेंस टू जीरो लेंगे इसका मतलब ईटा टेंस टू जीरो ठीक है तो हम दोनों तरफ लिमिट लेंगे टेक एच टेंस टू जीरो दैट इज ईटा टेंस टू जीरो तो इस तरफ तो बन जाएगा लिमिट आ, एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस जी जेड क्योंकि ये एच से फ्री है इसमें एच नहीं आ रहा तो इसमें एच टेंस टू जीरो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है लेस देन यहाँ पे जब बीटा टेंस टू जीरो लेंगे तो ये पूरा जीरो आ जाएगा ओके और ये चीज हमें क्या बताती है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपोन एच इक्वल आ रहा है जी जेड के ठीक है यानि कि हम ये कह सकते हैं एफ डैश जेड जो है वो बराबर आ रहा है जी जेड के अब क्योंकि जी जेड फंक्शन यानी कि जो दूसरी पावर सीरीज थी वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर कन्वर्जेंट uh, है यानी कि एग्जिस्ट करती है इसका मतलब एफ डैश जेड जो फंक्शन एफ जेड है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये हो गया एफ जेड इज एनालिटिक फॉर मोर डेड लेस देन आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के इन साइड फंक्शन एफ जेड जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये एनालिटिक फंक्शन होगा और यही हमें प्रूव करना था और साथ ही एक और चीज़ जो हमें पता चली जी जेड जो है वो सिंपली जो पावर सीरीज के अंदर मतलब समिशन के अंदर जो फंक्शन था उसका डिफ्रेंशिएशन करके निकाला गया था मतलब जो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करके हम पावर सीरीज का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं ठीक है मैं थोड़ा सा इसको लिख के बताती हूँ देखो एफ जेड जो है वो था एन जेड पावर एन यानी कि एन टेकिंग वैल्यू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए नोट ए वन जेड ए टू जेड स्क्वायर ए थ्री जेड क्यूब सो ऑन और एफ डैश जेड हमने प्रूव कर दिया जी जेड के बराबर होगा और जी जेड सीरीज क्या थी एन टेकिंग वैल्यूज वन टू इन्फिनी एन ए एन जेड की पावर एन माइनस वन खोल के अगर लिखें तो ए वन प्लस टू ए टू जेड प्लस थ्री ए थ्री जेड का स्क्वायर सो ऑन अगर हम इसके हर टर्म का टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करें तो ए नोट कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन जीरो ए वन जेड का डिफरेंशिएशन ए वन आ जाएगा ए टू जेड स्क्वायर का टू ए टू जेड ए थ्री जेड क्यूब का थ्री ए थ्री जेड स्क्वायर तो मतलब जो पावर सीरीज है उसका डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करके निकाला जा सकता है तो हर एक पावर सीरीज अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है और पावर सीरीज का डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म हर टर्म का डिफरेंशिएशन करके निकाला जा सकता है मतलब पहले पावर सीरीज का सम निकाल के सम फंक्शन निकाल के उसको डिफरेंशिएट करना जरूरी नहीं है सीरीज की फॉर्म में हर टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो ऐसा भी किया जा सकता है तो इस थ्योरम के साथ ही पावर सीरीज टॉपिक कंप्लीट होता है यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू